फिल्म बनाने बड़ा चैलेंज था ये पहली बात तो, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट पे तो एक तो ऐसा नहीं कि पहले जैसे हिंदू मुस्लिम के सब्जेक्ट होता है तो बहुत आसान हो जाता है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर ये सब्जेक्ट ऐसे हैं इंडिया में हिंदुओं ने हिंदुओं को मारने जैसी बात थी। पहले तो मुझे डर इस बात का लग रहा था, मुझे खुद को, मेरे तो पैसे नहीं लग रहे थे फिर भी मैं डर रहा था इस फिल्म को, मतलब इनको 10 बार पूछा भाई ये कर हम लोग कर पाएंगे, बोले इनको करना ही है, तो इनकी हिम्मत देख के मेरी हिम्मत बड़ी, मतलब मुझे तो मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो उतारना ये सारी चीज़ें जमती है, मतलब ठीक है इन्होंने छूट दे दी तो मेरे लिए सब आसान हो गया था। हैरी आपसे सवाल है कि बीजेपी के कार्यकाल में रिलीज कर रहे हैं? नहीं, ये रीज़न बिल्कुल नहीं है, हम लोगों को वैसे तो फिल्म बनाने में इतनी दिक्कतें आईं कि ये कार्यकाल अपने आप ही आ गया, बाकी मैं खुश हूँ कि कार्यकाल आ गया है, वरना मेरी फिल्म शायद रिलीज भी नहीं होती। और क्या इस घटना का पूरा जो चीज़ें हुई थी और जगदीश टाइटलर का भी कहीं ना कहीं जिक्र होगा पिक्चर के अंदर? वो तो फिल्म देख के पता लगेगा क्या जिक्र होगा, बट फिल्म के अंदर काफ़ी हद तक सच्चाई है और एक सच्ची घटना और सच्ची फैमिली पर आधारित ये फिल्म है, जिसका किरदार, मेन किरदार हमारे देवेंद्र जी ने, मतलब वीरदास, और तेजेंद्र कौर सोहा जी ने निभाया है, और उस कहानी को जीने के लिए इन्होंने जितनी मेहनत की है मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं इन लोगों का। हैरी, आप पर्सनल लेवल पे जगदीश टाइटलर को कितना जिम्मेदार मानते हैं इन सब घटनाओं के लिए? नो कमेंट्स ऑन दैट सर। मुझे लगता है ऐसे पॉलिटिकल क्वेश्चन ना पूछा जाए तो बेटर रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए, हाँ, क्योंकि फालतू में क्रिएट करना कोई मतलब नहीं है, फिल्म बनाई है लोगों को कुछ सिखाने के लिए, ना कि कुछ झगड़ा लगाने के लिए। सोहा, आपका जो किरदार है वो आपकी मदर से भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, कुछ उसके बारे में हमें बताएं। मेरी मदर से? जी, क्योंकि वो 3 बच्चों की माँ है। क्योंकि सिमिलैरिटी तो यही है, ना तो वो सरदारनी है, ना तो उन्होंने ये जिया है, तो शायद जो लुक है, स्पेशली वो जो बिंदी वाला लुक, लोगों ने कहा कि देयर इज अ रिजेम्बलेंस, पता नहीं, मैं एक बिंदी लगा देती हूँ तो थोड़ी सी बंगाली लगती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पक्की सीखनी लग रही हूँ इस फिल्म में। अच्छा, टैक्स फ्री की भी बात हो रही है कि आप लोगों ने टैक्स फ्री के लिए अप्लाई किया है कुछ, तो उसके बारे में कुछ बताएं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिनको भी दिखाइए उन्होंने बहुत सराहना की इस फिल्म की और आश्वासन दिया है कि टैक्स फ्री होगी ये, और जनता का अगर साथ रहा तो मुझे विश्वास है कि 100% टैक्स फ्री रहेगी। और जिस स्पीड से आप लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब उस स्पीड से अगर फिल्म बनाते तो अच्छी होती, मतलब लगातार हट हट। कोशिश तो की वीर, लेकिन क्या करें, हमारा सेट भी आपको पता तोड़ दिया गया, फिर सेंसर में 8-9 महीने घिसते घिसते हम लोगों को यहाँ तक तो पहुँचे हैं हम लोग। बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे कि मेहनत बहुत गई है इसमें। किस तरह की दिक्कतें आई सेंसर बोर्ड में, आप कुछ बताएं इस पर? फिल्म को बनाने और बनाने में, वैसे मैं बता सकता हूँ, फिल्म बनाने में उतना हमें टाइम नहीं लगा जो बाकी चीज़ें करने में हमें ज़्यादा टाइम लगा। फिल्म का शूट है 65 दिन का शूट है, वो हो गया, उसके बाद हमें जो तकलीफें आई वो सेंसर बोर्ड के लिए ज़्यादा आई। क्या क्या तकलीफें आई सर? एक तो पहली बार जब हमने फिल्म दिखाई सेंसर बोर्ड वालों को तो पहले तो रिजेक्ट कर दी फिल्म, क्योंकि आप क्यों ये दोबारा फिल्म लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, तो मैंने उनको वही उनको लगता था कि अभी बच्चे बड़े हो गए, 30 साल के 31 साल के बच्चे, तो आप ये दिखा, मतलब आपको क्या लगता है, आपने फिल्म देखी, आप मैंने कि किसी को उकसाने के लिए फिल्म थोड़ी ना बनाई, मैं तो उन हिंदुओं को फिल्म बनाई है जो देखे जरूर देखे कि दोबारा ऐसी घटना ना करे, कि हमने जो किया उस दौरान बहुत गलत किया, ये दिखाने की कोशिश हमने इस फिल्म में की है। उनका ये कहना था कि इस मुद्दे को दोबारा उठाने का कोई फायदा नहीं है, और वो हमसे बहुत सारे कट, 40-41 कट मांगे थे हमसे उन लोगों ने, लेकिन हमारी परसिस्टेंस और बार बार जाके समझाना और बार बार मिलना, वो 6-7 महीने जो गए सो गए, लेकिन 9 कट जो बिना फिल्म की स्टोरी को बदले हुए जो हमें मिले, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कम से कम हमको सेंसर तो दिया, दिखाने का मौका दिया। सोहा और वीर, आपसे सवाल है आप दोनों से, 32 साल हो गए इस घटना को, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, 32 साल बाद भी सिखों को इंसाफ नहीं मिला है, आज भी बात की जाती है, आज भी ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, बोर्ड बनाया जाता है इसकी जाँच के लिए, तो ये जो अपना टार्डी लीगल सिस्टम है उसके बारे में क्या कहेंगे, और जिन्हें इंसाफ नहीं मिला उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक पहली बार तो आपको बता दूं कि इस फिल्म से किसी को इंसाफ नहीं मिलने वाला है, लोग कहानी देखने के लिए आएंगे ये फिल्म में, आई थिंक बहुत छोटी सी कहानी है, ये मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि जब एक इतना बड़ा दिन होता है, ये 5 लोगों का परिवार है, इनको समझ में नहीं आया था कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, क्यों हुआ था, क्या हो रहा था, उनको बिग पिक्चर के बारे में कुछ नहीं मालूम था, उनको बस मालूम था कि हम तिलक नगर में रहते हैं,
और तिलक नगर से 6 किलोमीटर दूर रायट्स नहीं हो रहे हैं, वहां पर सेफ्टी है. तो उनकी उनका जो पूरा संसार था, पूरा वर्ल्ड था, वो बस 6 किलोमीटर का था. ये फिल्म 24-36 घंटों की कहानी है. और ये जो 5 लोग सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे. आई थिंक हाँ, एक बहुत डार्क डे है इंडियन हिस्ट्री में. लीगल सिस्टम में डेफिनेटली लूप होल्स हैं, लेकिन अगर लोग आके इस फिल्म को देखकर एक छोटी की फैमिली की कहानी को समझे और कैसे पूरी कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम ने इस फैमिली की मदद की और उससे थोड़ी खुशी मिले, देन दिस फिल्म हैज अचीव्ड व्हाट इट सेट आउट टू अचीव. हैरी, आपसे मेरा सवाल है. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस वही बात दोहराना चाहूंगी, जैसे वीर ने कहा, ये फिल्म किसी को देने इंसाफ देने के लिए नहीं बनाई गई है. सब अग्री करते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. तो जस्टिस तो 1984 के विक्टिम्स को मिलेगी नहीं. आई थिंक ये बात तो साफ है. तो बट वी मेड इट टू शेयर अ स्टोरी, और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है. 1984 सिर्फ एक बैकड्रॉप है, और ये एक फैमिली की कहानी है जो किसी की कौम भी हो सकती थी. दे हैपन टू बी सिख इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस. मैं सोहा जी के कंटिन्यूशन में एक बात और बता दूं कि वास्तव में दिल्ली में उत्तम नगर के पास एक विधवा कॉलोनी भी है. उस समय की लगभग 400 फैमिलियां अपना जीवन यापन कर रही हैं. यदि न्याय की बात होती तो आज तक वो क्लियर हो जाता. हैरी, आपसे मेरा सवाल है. 31 अक्टूबर 1984, हम सिर्फ जो घटना संदर्भ है उसके बारे में कहानियां सुनते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं. तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी फैमिली होगी जिसके ऊपर ये पूरा सटार जो है बेस्ड है. तो कौन सी ऐसी स्टोरी थी जिस प्लॉट को आपने उठा करके अपने फिल्म में डाला, सोहा और वीर का कैरेक्टर? जी, ये कहानी एक फैमिली की ही है. हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो हम लोग काफ़ी ऐसे उस टाइम जर्नलिस्ट और उस टाइम के जो विक्टिम्स थे उनसे मुलाकात हुई. तो उसी दौरान एक डायरी हाथ लगी एक फैमिली की, जिन्होंने वो पूरा अपना नरेशन लिखा हुआ था उनके साथ क्या क्या हुआ उस दिन से लेके उन 3-4 दिनों के बीच. तो उस डायरी के अंदर कुछ जो खास बात हमें ये लगी कि वो कहानी ना सिर्फ उनकी जर्नी की थी बल्कि उन नॉन सिख भाइयों की भी थी जिन्होंने खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर उस फैमिली को बचाया. और उस वक्त उस दौर में एक ऐसा नॉन सिख या हिंदू भी था जिसने अपनी जान गंवाई उस फैमिली को बचाने के लिए. वो हम क्लोज टू रिलीज आप जरूर आपको रिवील करेंगे फैमिली कौन सी थी, बट वो दिल को छू गई. मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये जरूर एक फिल्म एक ट्रिब्यूट है उन विक्टिम्स के लिए, बट ये सल्यूट भी है उन नॉन सिख्स के लिए, उन हिंदू मुस्लिम इसी ईसाई भाइयों के लिए जिन्होंने हमें बचाया, हम सरदारों को शरण दी और शेल्टर किया. जी, और दूसरा सवाल ये भी है कि फिल्म का जो बैकड्रॉप है जो सुनने में ये आया है कि दिल्ली में ही बेस्ड ये कहानी बनाई गई है, जबकि ये जब घटना हुई थी चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हर कोई इस हादसे का शिकार हुआ था. तो कुछ उस पर बताएंगे कि वहाँ की भी कुछ कहानियों को आपने समेटा है इस फिल्म के जरिए? नहीं सर, हम एक 2 घंटे का वक्त है सिनेमा में स्क्रीन उतारने का, जिसमें शिवाजी ने बहुत अच्छे से उतारा है उस कहानी को, दर्शाया है, बहुत मेहनत भी लगी है. उस 2 घंटे में बहुत सारी फैमिली को हम मिक्स नहीं कर सकते थे. हमने वो रात की कहानी दिखाई है और पूरा जस्टिस करने की कोशिश किया है. सेट भी हमें बनाने के लिए बहुत मेहनत गया हमको, क्योंकि दिल्ली तो दिल्ली अर्बन लगता है, उस टाइम का वो माहौल लगता भी नहीं है. तो घुंघराना एक गाँव है लुधियाना में जहाँ हमने सेट बनाए, जो बीच में तोड़े भी गए, फिर हमने दोबारा बनाया उसको और अपना शूटिंग पूरा किया. आप उस एरा में फिर जाएंगे, उस टाइम का रहना, खाना पीना, स्वभाव सब आपको नजर आएगा फिल्म के अंदर 80s का. और ये आखिरी सवाल है मेरा कि फिल्म रिलीज होने जा रही है, कहा ये जाता है कि इस तरीके की फिल्में अगर सिनेमा घर पे रिलीज होती हैं तो कुछ लोग होते हैं जिनको आपत्ति होती है कि शायद उनकी वो चीज़ें आपने अपने ढंग से सही तरीके से बताई है लेकिन शायद उनको ऑब्जेक्शन हो, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ. मैं तो जब से शुरू किया तब से ऑब्जेक्शन ही फेस करता हुआ आ रहा हूँ. कभी आप वो बता दीजिए कौन सा पार्ट होगा जिससे लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे. मुझे नहीं पता. मैं मेरे साथ मेरी टीम है, ये टीम मेरे को सपोर्ट कर रही है, ये हम सारे ऑब्जेक्शन इकट्ठे मिलकर सोल्व करेंगे. और एक चीज बता दीजिए, डॉक्यूमेंट्री नहीं है सर, ये फिल्म है, फिक्शनल फिल्म है. और जो भी आपको मेरा सवाल यही है, बहुत सारी एंटरटेनमेंट फिल्में रिलीज होती है, हर किसी को ऑब्जेक्शन होता है, फिल्म रिलीज नहीं हो पाती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है. हाँ. जैसे कि पिछले शाहिद कपूर की जो फिल्म थी उसको लेकर के भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई. मेरा सवाल वही है कि इस तरीके से फिल्मों को लोग जो है सेंटिमेंट हर्ट्स होते हैं, जबकि आई डोंट थिंक सेंटिमेंट लोग फिल्म हाँ. देखते भी नहीं है लेकिन ऑफेंड हो जाते हैं. हाँ, मतलब गुस्सा होना है तो फिल्म देख के गुस्सा हो जाओ. हाँ, बस टिकट ले लेना, उसके बाद गुस्सा हो जाना. प्लीज
और सुनो यार, मतलब इंडिया बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, 1.2 बिलियन लोग है. आप दो पौधों का पिक्चर लगा दो लाइक सिनेमा पे तो कोई उस पर भी गुस्सा हो जाएगा, ठीक है. तो इट्स फाइन, मतलब अगर पूरी जॉइंट फैमिली खाने के ऊपर बैठी हुई है और खाना खा रही है, एक गुस्सा चाचा होगा, एक पागल मामा होगा, लेकिन खाना खा के गुस्सा हो जाना, बस मैं इतना कह रहा हूँ. जी सो आप भी कुछ कह रही थी. नहीं मैं वही कह रही थी, और ओपिनियंस तो सबके होने चाहिए. वी जस्ट वांट पीपल टू बी पीसफुल. देखिए एक चीज और है कि हर कदम चलने पे ठोकरें तो आती हैं, तो इस चीज के लिए शायर ने कहा है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, हुस्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर है मुसाफिर, ठोकरें इंसान को रास्ता दिखाती हैं. सुभान, हम लोगों ने तो ठोकरें खा करके रास्ता निकाला है. ट्रांसलेशन टिकट ले लेना बस. थैंक यू सो मच गाइस एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. सोहा हियर. Soha, you just said that शायद 1984 के victims को justice नहीं मिलेगी. You know, ये बात तो साफ है. Why would you say so? Is there no hope at all? I am a very optimistic person. But my understanding is that if it's been 32 years, a lot of the people who were affected by 1984 have passed on. They lived their whole lives in the hope of getting justice and perhaps didn't see it. We all know people who have been affected by 1984. I certainly do. And the saying is that justice delayed is justice denied, because justice should be swift. And as Veer said, the legal system is complicated. We are not judges. We are not Supreme Court lawyers or judges. We are actors, and we've made a film. So it's not really about getting justice. It's about providing a film which we see more as an edge-of-the-seat thriller. It's not a political film. It's not pushing an agenda. It certainly hopes not to be preachy in that way. It's just about the struggle of this family to survive and whether they make it.